ये भी स्प्रे पेंट वाला ही है। तो ये ना मैं दो दुपट्टे थे, दो दुपट्टे लेकर आई थी मैं नए बिल्कुल। तो ये भी ना कैमरे की ही है, ये मैंने फुल लेंथ की इसको फिर शर्ट रेडी किया है। मैं आपको पहले बता दूं कि ये किस तरह के थे ना, ये ना इस तरह, ये जो साइड पे मैंने बॉर्डर किया ना, जब मैंने दुपट्टे लिए ना दो, तो ये एक ये बॉर्डर इस साइड पे था और एक इस साइड पे था, दरमियान में ना ये वाला जो बूटी सी बनी हुई है ना इस तरह थी मतलब के, ठीक है। तो मैंने वो इसको ना दुपट्टे को जो था मैंने एक साइड पर इसका कर दिया बॉर्डर करके ना, मैंने इसकी शर्ट रेडी की है। क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि नीचे ही बॉर्डर आती है, लेकिन ना इसकी जो ये वाली जो ये इसका फ्लावर था, तो ना फिर अगर मैं इसको इसी इस तरह बनाते हैं ना, जैसे ये हमारा इस तरह दुपट्टा था, तो ये सारा ये हमारा ये वाला फ्लावर था उल्टा हो जाना था। फिर मैंने इसको इसी तरह रहने दिया, इसके मैंने इसको साइड पे बॉर्डर कर दिया, तो साइड पे भी ये इसकी बहुत अच्छी लुक आ रही है, ठीक है। ये देखिए, और फिर ये सिर्फ फ्रंट फ्रंट पे किया है ना, बैक इसकी मैंने बिल्कुल प्लेन ही रखी है इस तरह। ये वाला फिर ना जो इतना हिस्सा था ना, तो साइडों पे थोड़ा सा बैक पे ये वाला बॉर्डर आ गया, लेकिन इतना पता नहीं चलता। सिर्फ फ्रंट पे मैंने इस तरह किया है, ये देखिए। और नीचे ना फिर मैंने इसके ये वाली सिल्वर वो वाली लगा दी है, ये वाली लेस पूरे दामन पे ना, ये सिल्वर इसके ऊपर सिल्वर ये पेंट था, तो सिल्वर ही फिर मैंने इस पे ये चारों तरफ ना लेस लगा दी। पहले मैं इसका नेक भी दिखा दूँ आपको, इसका नेक ना मैंने इस तरह रेडी किया है, ये इस तरह पर्ल गए हैं, तो ये मैंने इस तरह रेडी किया। ये आगे पीछे से ना सेम है गला ना, इस तरह फिर अच्छा लगता है। अगर ज़रा सा ऊंचा रख लेना तो ये फंसता है गला, फिर इस तरह ना छोटा रह जाता है। तो ये आगे पीछे ना सेम गला बनाए ना, तो ये सही रहता है। फिर ये देखिए बैक, बैक पे मैंने बोला ना वो मतलब के बॉर्डर वो वाला सिर्फ फ्रंट पे साइड पे किया है, बैक को मैंने इसी दरमियान में से निकाला था। और ये थोड़ा थोड़ा सा ना हमारा ये देखिए डिज़ाइन ना, ये जो बॉर्डर का था वो इधर आया हुआ है कॉर्नर पे बैक के, इतना फील नहीं हो रहा, तो इसीलिए फिर मैंने ऐसे इसको बैक को सिंपल ही रहने दिया। मैंने वो बॉर्डर सिर्फ मैंने फ्रंट फ्रंट पे किया है, ये देखिए इस तरह। अब मैं बाजू दिखाती हूँ आपको, बाजू मैंने देखें बाजू भी इसी तरह रेडी किए हैं। ये बाजू ना ऐसे जब मैंने तैयार किए तो मुझे छोटे लग रहे थे, तो फिर ये थोड़ा सा बॉर्डर मैंने आगे ज्वाइंट लगा के ना, तो ये लेस लगा दी मैंने आगे। वो दुपट्टे मैंने ख़रीदे थे जिसमें से ये मैंने एक का ट्राउज़र बना दिया, ये देखे जो इसी तरह मैंने बना के ना, तो इसके नीचे वो वाला साइड से मैंने बॉर्डर उतार के मैंने फिर इधर ज्वाइंट लगा दिया, लेंथ भी पूरी हो गई, और फिर ये मैंने लेसिस लगा दी ऊपर दोनों के, ठीक है। ये इस तरह बाजू की तरह वाइट और गेंजा का दुपट्टा मैंने रेडी किया, ये देखे इस तरह, ये वाला बहुत ही मतलब खूबसूरत सूट लग रहा था ना, ब्लू के साथ वाइट का बहुत अच्छा कम्बिनेशन लग रहा था। ये देखिए ये निशात का ड्रेस है, तो ये था कैमरिक का, ठीक है। तो इस पर ना ये प्लेन बिल्कुल प्लेन था, प्लेन के साथ ये बाद में मतलब के साथ ही इसके दुपट्टा ये वाला स्प्रे पेंट का मैच किया है। पहले मैं आपको ये शर्ट की इसकी डिज़ाइनिंग दिखा दूँ, फिर मैं आपके साथ दुपट्टा भी शेयर करता हूँ। ये देखिए इसकी डिज़ाइनिंग इस तरह की है, ये बहुत ही प्यारा मतलब के ना लग रहा है इस तरह ना, ये लेसिस वगैरह के साथ ही इसको रेडी किया है। ये देखिए इसका तो बोट नेक है, पहले मैं आपको दिखा दूँ। और ये से लगाइए ना, वो इस शेप में लगाइए, इसको मैं दिखाती हूँ आपको प्रॉपर। तो आप देखें ये ना आगे मैंने इस तरह ये नीचे लगा के ना, ये पेपर टिकन नीचे सिंपल, तो ये ऊपर उसके इस तरफ पूरे नीचे तक ना ये फ्रंट ऊपर की तरह ये बटन लगाए हैं ये वाले। ये देखिए ये शमोस सिलक के बटन है, जो ये आम शॉप पर इस तरह के मिल जाते हैं आराम से। तो इसको बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में इसको रेडी किया है। ये देखिए इसकी शेप जो ये लेसिस की है ना, ये इस तरह लगाई हैं। वैसे तो हम सिंपल दामन वगैरह पे लगाते रहते हैं, लेकिन ना इसको नई लुक दी है मैंने लेसिस वगैरह को। ये देखे नीचे ऐसे नीचे तक ये फ्रंट ओपन है और इसकी इस तरह की शेप आ रही है। ये फुल लेंथ की शर्ट है, ये देखे नीचे तक इसके इसी तरह ये बटन्स हैं, ये देखे नीचे, और नीचे दामन पे ना ये देखे ये वाली लेस है बारीक वाली। तो और नीचे ये देखे सेम फैशन पट्टी के साथ ना इसको रेडी किया, ये वाली जो लेस है ना नीचे दामन वाली, ये फ्रंट और बैक दोनों पर लगाई है, और बैक इसकी है ये देखे इस तरह प्लेन, और सिर्फ इसके दामन पे ये लेस है इस तरह। बाजू भी इसके मैंने बहुत ही खूबसूरत से रेडी किए हैं, तो ये कफ वाले बाजू हैं ये देखें। तो ये देखें इसकी भी वही तरह उसी तरह ना मैंने डिज़ाइनिंग की है, इस तरह मैं आपको दिखाती हूँ। तरह ना जिकजैक सी है इसको ना, ऐसे ऐसे आ रही है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। और ये वाली जो लेस है ना, ये बाद में हमने लगाई है, ये ज्वाइंट नहीं है। तो ये वैसे ऐसे ही मुझे प्यारी लग रही थी ना, इसका डिज़ाइन मुझे ऐसे अच्छा लग रहा था ना, तो ये भी मैंने ऐसे ही इसको रेडी किया है। ये देखें ये ज़िगज़ैग की तरह है, ऐसे ऐसे ऐसे, और आगे इसके कफ हैं। ये देखिए ये दो दो लेसिस हैं जो ये बॉटम पे दामन पे लगाई हैं, तो और साथ ये इस तरह पिच बटन के साथ ना ये मैंने कफ रेडी की हैं, तो ये इस तरह की लेस लगाई हैं आगे। ये इसके साथ का ट्राउज़र है, ट्राउज़र बिल्कुल प्लेन है, इस पर कोई डिज़ाइन नहीं की, क्योंकि उसका ऑलरेडी ये शर्ट पर काफ़ी ज़्यादा लेसिस वगैरह का काम था, इस वजह से ट्राउज़र को मैंने सिंपल ही रखा है। और दुपट्टा मैं दिखाती हूँ आपको, स्प्रे पेंट वाला दुपट्टा इसके साथ बहुत ही खूबसूरत है, ये देखिए इस तरह ना। तो सूट के इस दुपट्टे में ना ब्लैक कलर भी था, ये गोल्डन स्प्रे पेंट था, ये देखिए ये वाला इस तरह,
तो इसके साथ इस तरह हमने इसको रेडी किया शर्ट को। स्प्रे पेंट का ना आजकल बहुत फैशन है, तो ये वाले आजकल के ना मौसम इस तरह के जो ड्रेस हैं ना, तो ये इनमें बहुत ये इन है आजकल ना, तो कैंब्रिक वगैरह में। ये खाली शर्ट है, इसको भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये भी स्प्रे पेंट की कैंब्रिक की शर्ट है निशात वालों की। ये देखिए, ये भी बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में इसको रेडी किया मैंने। ये इसका नेक है बैन, आगे ऊपर बैन रखा है, नीचे इस तरह वी कट है सिंपल, और आगे ये फ्रंट ओपन है। तो ये देख, नीचे इसका फ्रंट ओपन है, जो ये सी ग्रीन से इसके ऊपर मैंने बटन लगाए हैं, वही शमोज वाले जो मैंने शॉप पे यहाँ मिल जाते हैं। ये ना ख़राब भी नहीं होते, ये मैंने बहुत मतलब के कपड़ों पे लगाए हैं, अपने भी लगाए हैं, तो ये बहुत अच्छे रहते हैं, ख़राब नहीं होते। तो ये है इसका सेम फैशन पट्टी है इसकी, क्योंकि इसके साथ अभी ट्राउज़र मैच नहीं किया, तो समझ नहीं आ रही कि इसके साथ सेम में लूँ ग्रीन लूँ कि वाइट के साथ ही पहन लूँ। तो इसीलिए तो अभी इसके बटन्स वगैरह इसी तरह लगा दिया, पहने चाहे वाइट के साथ भी ये अच्छा लग सकता है। तो देखें इसके साथ कौन सा बनाती हूँ, अभी मैंने इसका सोचा नहीं है कि मैं कौन सा बनाऊँ। तो ये भी कफ वाले बाजू हैं इसके साथ, देखे सिंपल, और ये देखें इस तरह टिच बटन लगा के ना, ये इस तरह कफ वाले बटन रेडी किए हैं मैंने।